कभी मर्दों को समझाया भी है, कभी उन्हें कहा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, या औरतों की रिहैबिलिटेशन पे कभी आपने काम किया, या आपका दिल चाहा कि मैं काम करूं? आई मेक श्योर कि मैं 15 की एक एक कॉल का रिकॉर्ड रखूंगी. अच्छा, देन आई रैंडमली गो टू एनी थाना, बिकॉज मुझे रात को इतनी, आई एम जस्ट नॉट वेरी प्रो, मुझे नींद नहीं इतनी आती, तो मैं रैंडमली जाती हूँ. PSP एक बहुत अच्छा वो है, इसमें सर्विस डिलीवरी बहुत ज़्यादा है. अगर आप एक नीयत आपकी सही है एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वही देहात है, औरत गांव में जा तो रही है, उसका मियाँ काम कर रहा है, खेतों में काम भी कर रही है. मतलब आखिर में उसका मियाँ ये कह रहा है कि अच्छा, हमारी मकई की फसल इतने की बिकी, हमारा चारा इतने का बिका, और ये मैं तुम पे सान कर रहा हूँ, तुम्हें कपड़ा वो. जबकि अर्बन में उसके मुँह पर थप्पड़ पड़ता है, तो वो कहती है कि मतलब वो ज़्यादा इन पोजिशन होती है टू मेक दैट पर्सन अकाउंटेबल कि ऐसा मेरे साथ क्यों. Generally, I like playing guitar. अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इमशा आवान. नाजिन, आज जिस लेडी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, वो हिम्मत की, बहादुरी की, जुरत की एक चलती फिरती और एक रोशन मिसाल है. मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ASP सिद्रा मौजूद हैं, जो कि CSS करके PSP ग्रुप में आई, और उनकी जो पहली पोस्टिंग है वो यहाँ पे SDPO बरकी हुई. बरकी का इलाका जो है वो थोड़ा रूरल है, जहाँ पे हीनियस क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है. पहली पोस्टिंग इतनी टफ हो जाना, और उसके बाद आपकी पुलिस की जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ को अपने पर्सनल लाइफ के साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है, और उनके लेंस में वुमन एम्पावरमेंट क्या है, आइए उनसे जानते हैं. तो मैं आपको मिलवाती हूँ आज SDPO बरकी मैम सिद्रा खान से, आइए मेरे साथ. वेलकम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अच्छा, मुझे बताइए कहाँ से आ रही हैं? बेसिकली अभी एक मर्डर की, डेथ की कॉल थी. अच्छा. तो वी जस्ट फाउंड अ डेड बॉडी, तो आई जस्ट आई एम कमिंग बैक फ्रॉम देयर. ओके, अच्छा, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि आप SDPO बरकी, फर्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट ऐसे SDPO बरकी हुई, कितना मुश्किल है SDPO गुलबर्ग और SDPO बरकी होना? मुझे लगता है दोनों बहुत मुश्किल जॉब है. पुलिस इटसेल्फ इज़ अ जॉब एंड इट्स अ लाइफस्टाइल. मुश्किल मैं नहीं कहूँगी, बट चैलेंजिंग, और एवरी डे इज़ अ न्यू डे. तो एक मोनोटनी नहीं है, और हर यू नो सिंस एवरी डे इज़ अ न्यू डे, तो आपकी कैपेबिलिटीज हर रोज़ टेस्ट हो रही हैं. आई वुड लाइक टू कॉल इट इंटरेस्टिंग एंड अ लिटिल एडवेंचरस. तो कितना मुश्किल है एक, क्योंकि बरकी समझा जाता है कि एक कम्युनिटी सिस्टम है, गाँव का थोड़ा एक कल्चरल ज़्यादा वैल्यू इनरिच है, तो कितना मुश्किल है कि एक सिटी में जो क्राइम हो रहा है और यहाँ की जो क्राइम की नौयत है, कितना डिफरेंस है? नेचर ऑफ द क्राइम बहुत डिफरेंट है. जो बरकी है ना, वो अभी भी बहुत उसकी डायनामिक्स रूरल डायनामिक्स है, और जिसकी वजह से हमें अपनी पुलिसिंग को थोड़ा अर्बन पुलिसिंग से हट के एक अमेलगमेशन होती है रूरल और अर्बन पुलिसिंग की. तो वो हम इसको, जहाँ तक बरकी की बात आते हैं, तो हम अमेलगमेशन करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे जो नेचर ऑफ द क्राइम है, जनरली लैंड ग्रैबिंग बहुत ज़्यादा है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा है. जैसे अर्बन सेटिंग में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट पर्सन, स्पेशली लैंड ग्रैबिंग और इस तरह के इशूज़ ज़्यादा हैं. तो बरकी में सक्सेसफुल होने के लिए आई बिलीव आपको एक मिक्सचर, एक अमेलगमेशन चाहिए अर्बन और रूरल पॉलिसिंग की, जिसमें फोकस ज़्यादा रूरल पॉलिसिंग पे होना चाहिए. अच्छा, बरकी जो अब आपने कहा कि रूरल एक साइड है, अभी तक वहाँ पे वही कल्चर इनरिच है, फिर पंचायत सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादातर फैसले पंचायत के थ्रू होते हैं, तो पंचायत सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पुलिस का सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है? जो हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, हम इंश्योर करते हैं कि नोटेबल्स ऑफ द एरिया को भी अपने लूप में लें, और जो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मसला क्या है कि हमने कंप्लेनेंट को उसकी ग्रीवांसेस को एड्रेस करना है, और फिर आप इलाके के डायनामिक्स को देते हैं. तो वही व्हाट माय पॉलिसीज के, हम इंश्योर करते हैं कि नोटेबल्स ऑफ द एरिया को भी एक एमिकेबल सोल्यूशन पे करें, और जहाँ ज्यादती हुई है उसकी ज्यादती को एड्रेस किया जाए. अच्छा, सिद्रा मुझे बताएं कि हम काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हमने इंटरव्यू लेने हैं इंटरव्यू, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था होता. सुबह कितने बजे ऑफिस आना होता है और कितने बजे फिर आप फ्री होती हैं? जनरली आने का टाइम मेरा ये होता है कि मैं 10 बजे तक पहुंच जाती हूँ, जाने का कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं होता. कभी ये होता है कि मैं रात 12 बजे भी जाती हूँ, और जैसे परसों की बात है, आई एम सॉरी, पहले तो मैंने आपको थोड़ा 2-3 दफ़ा कैंसिल किया, आई वाज लाइक एम्बैरेस्ड माय सेल्फ एज वेल, लेकिन अब आप मुझे बताएं, परसों की बात है, तो आई लेफ्ट माय होम
सुबह यानी कि अगर परसों वो वेनसडे तो मैं ट्यूसडे की सुबह 10 बजे घर से निकली हूँ और मैं वेनसडे की सुबह 9 बजे घर दाखिल हुई हूँ। मैं रात को घर भी नहीं गई हूँ और फिर मैं दोबारा 11 बजे दफ्तर के लिए निकली हूँ। सिद्रा, कितना मुश्किल होता है उस लड़की के लिए जॉब करना जो कि रात को भी घर से बाहर है, और जस्टिफाई करना पुलिस में। मतलब अपनी फैमिली में जस्टिफाई कैसे करती हैं कि हम चूँकि पाकिस्तान में हैं और हमारा सोशल एक नॉर्म्स ऐसी है कि हम एक लड़की का रात को घर से बाहर रहना एक्सेप्ट नहीं करते चाहे वो कोई भी जॉब हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है। फैमिली सपोर्ट करती है या ये ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, आप बहुत लड़ रही हैं? मुझे ना एक दो दफ़ा पहले भी सवाल पूछा गया कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी मेरे घर में ना लड़की का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। माय फादर एंड माय पेरेंट्स, माय मदर एंड वो, हमें एक मैंने कभी अब देखा ही नहीं कि मुझे एज अ लड़की ट्रीट किया गया है। या आप लड़की हैं तो आप वनरेबिलिटी जो एसोसिएट होती है या पैट्रियार्की होती है, अल्लाह का शुक्र है मैं अगर टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं पैट्रियार्की के उस एक्सपीरियंस से बहुत महफूज रही हूँ। अच्छा। मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है, और ये एक सोसाइटी की रियलिटी है, पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल एग्जिस्ट करती है, इन्फेंटिसिज्म व्हेन इट कम्स टू फीमेल चाइल्ड बहुत एग्जिस्ट करता है। आप कह लें मैं आई हैव बीन लकी इन द सेंस कि मुझे उस तना कोई नहीं, तो मेरी बस घर वाले एक ही चीज पे कंसर्न होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो माय मदर वाज कंटीन्यूअसली कॉलिंग मी वेयर आर यू एंड आर यू सेफ। और फिर मेरा मोबाइल बंद हो गया तो शी वाज कॉलिंग माय ऑपरेटर, आर यू सेफ, मतलब आर यू गाइस सेफ। ये आना कि घर से बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस सेफ्टी और सिक्योरिटी का। जब आपने पीएसपी ग्रुप ज्वाइन किया तो घर में एक शोर नहीं मचा के सिद्रा क्या कर रही हो, अच्छे मार्क्स हैं, फॉरेन सर्विसेज में चले जाओ या अकाउंट्स में या कहीं भी और चले जाओ, पीएसपी तो लड़कियों के लिए नहीं बनी हुई? अच्छा, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं पीएसपी में जाऊँ, इट वाज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स कि मैंने पीएसपी चॉइस रखा था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, वरना मोस्टली वो ये कह रहे होते हैं कि कोई ऑफिस के 9 to 5 कॉलर जॉब हो जहाँ पे लड़की जाए और टाइमली घर में वापस आ जाए। मुझे आई लव रीडिंग और मेरी हॉबीज थोड़ी उस तरह की हैं कि रीडिंग, गिटार, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि कुछ इसी तरह से रिलेटेड हो। इट वाज माय पेरेंट्स जिन्होंने बोला पीएसपी को ऊपर रखो, एंड आई बिलीव टुडे स्टैंडिंग हियर दे वर राइट, दे वर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप जब 12-1 बजे तक और कभी रातों को भी बाहर मतलब रहना पड़ता, तो आप ये नहीं कहती कि मैंने गलत डिसीजन कर लिया या कहीं और ही चले जाती? मैंने इसको जॉब समझा नहीं है। अच्छा, एनीथिंग यू डू एंड दैट इज योर पैशन, तो यू डोंट गेट टायर्ड। ओके, आई डोंट गेट टायर्ड, मुझे बहुत मजा आता है, मजा आता है काम करने में। आई डोंट गेट टायर्ड, बल्कि मुझे लगा कि मेरी सही डिसीजन है। अच्छा, बरकी में जो जहरी बात है रूरल एरिया है और लड़कियों को भी वो इतनी सेंस नहीं होती कि एम्पावरमेंट क्या चीज़ है, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी होती है उन्हें मेल्स मेंबर पे, उस तरह की क्राइम्स और उस तरह की चीज़ें वो किस तरह आप देखती हैं कि बरकी में जो है वो लड़की थोड़ी मतलब है इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी एम्पावर और इतनी इंडिपेंडेंट, और किस तरह के क्राइम्स लड़कियों के ज़्यादा आ रही हैं? जो हमें क्राइम्स नज़र ज़्यादा आते हैं, एक तो डाउरी के क्राइम्स बहुत ज़्यादा है बरकी में। ओके। कि मतलब बच्चे की शादी इस वजह से नहीं हो रही या मंगनी हो चुकी है और उसकी शादी नहीं हो रही, डाउरी नहीं मिल रही। एक ही होता है कि डाउरी मिल गई है और उन्होंने आगे दे दिए। मतलब इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम्स अगर हम कहेंगे तो डाउरी के इश्यूज काफी ज्यादा आते अच्छा। हैं। दूसरा ये है कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज है ना बरकी में वो बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू तशद्दुद औरत पे। ओके। जो कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि हम कंप्लेंट्स के बाद FIR करते हैं, हमारे पास FIR जो आती हैं कि रजिस्टर करें, वो ये है कि मेरे मियां ने मुझे मारा, मेरे सास ने मुझे मारा। अच्छा, मियां के अलावा भी उनकी फैमिली मेंबर्स मार रही हैं? मतलब जब मैं आई थी तो हमने एक इन्वेस्टिगेशन को अभी वो किया है, तो उसमें ये था कि वो जो बच्ची है वो जल गई है। अच्छा। और उसका मतलब एंड शी एक्सपायर्ड, तो उसकी हमने डाइंग एक होती है स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं, हमने डाइंग डिक्लेरेशन दी बिकॉज वो उसको बर्न्स थे। तो फिर हमने उसकी जब डाइंग डिक्लेरेशन ली, उसने लिखा कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझ पर तेल जलाया, तो वो जो टिपिकल होता है ना कि चूल्हा फट जाना, और वो आई हैव सीन दैट हियर इन बरकी, एक ऐसा इंसिडेंट। तो ऐसे क्राइम्स हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रूरल डायनामिक्स है ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है सिद्रा, बैठ के थोड़ी बात करते हैं, आप भी बहुत थकी हुई आई हैं, अभी रेड से आई हैं, तो वो जो है बैठ के बात करना थोड़ा ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा सिद्रा, मुझे बताएं कि अभी आपने मुझे बताया कि जो केस है मर्डर का, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, क्या रीज़न थी इसके पीछे कि उस लड़की का कसूर क्या था? गुर्बत। अगर वो कहते हैं कि अपने घर से पैसे लेके आओ और वो पैसे लेके नहीं आती थी, दैट वॉज द रीज़न। फिर इनमें लड़ाइयाँ होती रहीं, इनकी कोई
जो शादी थी वो 4-5 साल पुरानी थी, इनमें लड़ाइयाँ होती रहीं कि ये मेरे होने से पहले का आया, बट आई टेक इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन, तो मैंने वो फाइल को पिकअप किया था कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ क्यों? और फिर मैंने डाइंग डिक्लेरेशन देखी okay. तो उसमें ये हुआ था कि इनकी कुछ 4 साल पुरानी शादी है और वो कहते थे कि अपने घर से पैसे लेके आओ. अच्छा, मतलब यहाँ पे जो मर्द हैं पाकिस्तान में वो मुँह से मांग रहे हैं, मतलब इस एरिया में कि हमें पैसे चाहिए. इस एरिया में आप नहीं, जनरली पाकिस्तान की सोसाइटी भी ऐसी है कि चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जो बच्ची, जो मैंने 3-4 केसेस अभी तक देखेंगे, अगर बच्ची जहेज लेके आ रही है, मतलब लोग बड़े गुर्बत में, मोटरसाइकिल उनके लिए बड़ी चीज़ होती है. एक बच्ची थी वो 2 मोटरसाइकिल लेके आई, वो दोनों उसकी फिर नान के मियाँ को दे दिए गए. फिर और वो एक बच्ची है जिसकी मतलब बेटा बहुत सवेयर हार्ट पेशेंट है, मतलब दोनों का बच्चा ना, लेकिन सिर्फ बच्ची अपने भाइयों की मदद से उसे सपोर्ट कर रही है. तो ये बड़की का नहीं, ये पाकिस्तान का डायनामिक्स है okay. कि जनरली अगर घर बसाना है तो पीछे से पैसे लेके आने हैं, तो फिर ही लड़की बसेगी. Okay. अच्छा, यूजली सिद्रा ये समझा जाता है कि जो डोमेस्टिक आपकी कोई भी वायलेंस है या कोई भी डोमेस्टिक का प्रॉब्लम है वो चूँकि घर का मसला है तो घर में ही सॉल्व होना चाहिए. औरतें जो है वो कतराती हैं पुलिस को इन्वॉल्वमेंट से. आप क्या कहेंगी कि जो औरतें हैं वो चुपचाप घर में मारें खाएँ, घर में ही सारी जो वायलेंस है वो बर्दाश्त करें, कि पुलिस उनकी मदद के लिए यहाँ पर है? मैं ये नहीं समझती कि औरत लेसर बींग है और ये घर का मसला है. अगर आप एक गाली को आज टॉलरेट करते हैं कल आपको थप्पड़ पड़ेगा, अगर आप एक थप्पड़ को टॉलरेट करते हैं तो कल आप पे तेल छिड़का जाएगा. अगर तेल छिड़का जाएगा, अगर एक औरत पे तेल छिड़का जाएगा तो वो बेसिकली हम एक सोसाइटी को रास्ता दिखा रहे हैं कि दैट इज़ हाउ आप एक आवाज़ को बंद कर सकते हैं अगर यू डू नॉट लाइक समबडी, ठीक है, एंड यू कैन क्रश अ वॉइस. तो मेरा स्टांस तो बहुत सीधा है, ऑल आर ह्यूमंस. अगर आपने, दैट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ये कोई घर का इशू नहीं है. हाँ, अगर वो एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं तो जो फॉर एग्जांपल कोई औरत आती है वो मुझे ये कहती है कि हाँ मैंने अभी उसमें गुस्से में दरख्वास्त दे दिया, मैं नहीं करना चाहती, तो फिर मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी रूलर डायनामिक्स हैं तो मैं बीच में किसी दूसरे तीन बंदे को भी इन्वॉल्व करती हूँ. वो कहते हैं अच्छा हाँ एक थप्पड़ ही था कुछ नहीं होगा, और हम लिख के, तो मैं कहती हूँ मुझे लिख के दोगी और गवाह डालोगे ओके कि अब आइंदा ये अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा. और मैं फिर वो दो गवाह और मियाँ बीवी मुझे लिख के देते हैं तो मैं डिस्पोज ऑफ करती हूँ. मैं सिंपल बात सुनने पे या उस पे डिस्पोज ऑफ नहीं करती. और ये कि मुझे लगता है अगर आप टॉलरेट करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट वे. जब हम कह रहे हैं इन सारे जराइम की हम रास्ता खोल रहे हैं तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट. आप छोटे ही अगर थोड़ी प्रिवेंशन अभी से ही कर लेंगे तो आप किसी बड़े हादसे से बच सकते हैं. अच्छा सिद्रा, ये जो औरतें हैं वो, कुछ तो औरतें जुल्म सह लेती हैं कि चुप रहो चुप रहो, कुछ औरतें हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं. क्या आपको लगता है जो अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर, वो जो औरतें आवाज़ उठा रही हैं, क्या ये भी वुमन एम्पावरमेंट है या नहीं? मेरे ख्याल से हमारा रिलीजन भी इस चीज़ के बारे में बड़ा वो है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको तलवार से बुरा कहो, अगर नहीं हो सकता ज़ुबान से, एंड दिल से इज़ द लीस्ट वो लास्ट वो है जिसमें आप कर सको. एवरी एस्पेक्ट जो है ना, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी प्रो ऑफ. और एम्पावरमेंट, अगर आप कोई जुल्म हो रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और आप सोसाइटी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं. तो इट, मेरे ख्याल से इट कम्स इन द डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक. और अगर आप अपनी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर रहे, अपनी आवाज़ अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आपके राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं. ड्यूटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने राइट्स हैं. तो औरतें हम देखते ये हैं कि वो एक अच्छी बीवियाँ तो हैं, बड़ी अच्छी माएँ, अंडरपेड वर्कर्स हैं, वो उनकी ड्यूटीज हैं. व्हाट अबाउट देयर राइट्स? देयर राइट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तो अगर आप ड्यूटी दे रहे हैं तो आपका राइट भी ये बनता है कि आप आवाज़ उठाओ. दैट इज हाउ आप अपने साथ भी जस्टिस करते हो, अपने बच्चों के साथ भी जस्टिस करते हो. ओके, तो आई बिलीव आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. ओके, अच्छा, फाइनेंशियली जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो पैरामाउंट है टूवर्ड द सक्सेस. अगर आपने सक्सेसफुल जिंदगी गुजारनी है तो हमारी मदर्स हमें ये बताती हैं कि फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड ना करो. अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो आप अपनी डिसीजन खुद लेंगी. क्या देखती हैं आप यहाँ की औरतों की, बेसिकली ये वजह तो नहीं है जुल्म सहने की कि वो फाइनेंशियली डिपेंड करती हैं अपने भाइयों पे, फिर शादी के बाद अपने खामन पे और उसके बाद अपने बेटों पर? देखिए, जब फाइनेंशियल इटोनॉमी आती है ना तो आपकी रिलायंस खत्म हो जाती है, तो आप डिसीजन मेकिंग सही कर सकते हो. जी, कि अगर मुझे पता है कि हाँ मुझे अभी रोटी मिल जाएगी, मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मेरे पास बेसिक नीड्स आर फॉर टेकन केयर ऑफ, लाइक जो है
फूड क्लॉथ शेल्टर, तो मैं बहुत अपनी डिसीजन ना इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ. जब मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन कर सकती हूँ तो मैं ऑपरेशन के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने साथ ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और एक मैं पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ. सही है, टूवर्ड्स माई होम, टूवर्ड्स माई प्रोफेशन टू. तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू एंड, मतलब टूवर्ड्स टू एंड दिस रिलायंस एंड टू बी इंडिपेंडेंट. तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही जो की है ना, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वही देहात है. औरत गांव में जा तो रही है, उसका मियाँ काम कर रहा है, खेतों में काम भी कर रही है, वो उसको रोटी भी प्रोवाइड कर रही है, बट उसको कुछ मिल नहीं रहा है. मतलब आखिर में उसका मियाँ ये कह रहा है कि अच्छा हमारी मकई की फसल इतने की बिकी, हमारा चारा इतने का बिका, और ये मैं तुम पे सान कर रहा हूँ, तुम्हें कपड़ा वो. जबकि अर्बन में अगर आधा घंटा आगे डिफेंस में चली जाती हूँ तो एक औरत जो कि काम कर रही है, वो एक बैंकर है, वो एक टीचर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, तो जब उसके मुँह पे थप्पड़ पड़ता है तो वो कहती है कि, मतलब वो ज्यादा इन पोजीशन होती है टू मेक दैट पर्सन अकाउंटेबल कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. लेकिन यहाँ पे ये होता है कि चली जाऊंगी तो खाऊंगी कहाँ, बच्चे कैसे पैदा होंगे, मैं अपने वालदैन के घर अपने तीन बच्चों का बोझ कैसे उठाऊंगी, फिर भाभियां नहीं रखेंगी मुझे, भाभियां नहीं रखेंगी, भाई क्या कहेंगे. दूसरा, इनहेरिटेंस में शेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. कि आप कहें ना कि अगर वो कह रहे हैं, इस्लाम ये कहता है कि औरत को 1% मिल, मतलब 1:2 होता है, 1:1 औरत की होती है, उसका एक जरूरत भी है कि क्योंकि आप अपने हस्बैंड से भी कर रहे होते हो, बिल्कुल राइट, तो उधर से भी आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हस्बैंड की, अगर हम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी देखें. लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता. अच्छा, मैंने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी इनहेरिटेंस, ओके ओके, बल्कि इट्स टिपिकल रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ पाकिस्तानी सोसाइटी, अ रूरल पाकिस्तानी सोसाइटी वर्क्स, वेयर फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अ वुमन इज डिप्राइव्ड और दैट एड्स टू हर वल्नरेबिलिटी, इस वजह से काफी. अच्छा सिद्रा, कभी रिहैबिलिटेशन पे भी काम किया है कभी? मतलब जब आपके पास केसेस आते हैं, कभी मर्दों को समझाया भी है, कभी उन्हें कहा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, या औरतों की रिहैबिलिटेशन पे कभी आपने काम किया, या आपका दिल चाहा कि मैं काम करूं? वैसे तो आई हैव बीन पोस्टेड हियर फॉर लाइक अ मंथ, तो इट्स टू अर्ली टू से कि मैंने बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो रिहैबिलिटेशन के हैं. लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ना, जो औरतें कहती हैं कि हमने अपने मियाँ के साथ सुलह कर लिया, एक थप्पड़ ही मारा था, कोई बात नहीं, हो जाता है. फिर मैं कहती हूँ अच्छा, नंबरदार या मुझे चेयरमैन लिख के देगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आइंदा कुछ हुआ तो. सिद्रा, डेली रूटीन की बात करते हैं. सुबह जब 9 बजे उठी और तैयार होकर 10 बजे ऑफिस पहुँच गई, क्या करती हैं सबसे पहले ऑफिस आके? सबसे पहले ऑफिस आके मैं अपनी डायरीज पढ़ती हूँ. ओके, मैंने कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरीज थी जो पुराने वो एसडीपीओ करते थे, कुछ मैंने ऐड किए हैं. जैसे मैं हवलाती डायरी या 15 की डायरी, मैं आई मेक श्योर कि मैं 15 की एक एक कॉल का रिकॉर्ड रखूं कि अच्छा जो कल ये 15 की कॉल चली इसका क्या क्या बना. इसका एक फिर पीओस की डायरी होती है जो मैं रोजाना देखती हूँ कि अच्छा हमने कितने क्रैक डाउन किए और क्या हुआ. ओके, और हवलाती डायरी का मुझे लगता है कि फायदा ये होता है कि मेरे पास तीनों थानों की हवलाती डायरी है. अच्छा, देन आई रैंडमली गो टू एनी थाना, बिकॉज मुझे रात को इतनी, आई एम जस्ट नॉट वेरी प्रो, मुझे नींद नहीं इतनी आती, तो मैं रैंडमली जाती हूँ. और फिर मैं कहती हूँ अच्छा आज मेरी हवालात डायरी में इसने लिखा था लेट्स से के हेयर में एक बंदा है, अभी हवालात में तीन बंदे कैसे आए. अच्छा, तो दैट्स हाउ आई काउंटर चेक. ओके, जो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है और जो ओरिजिनल है ग्राउंड रियलिटी वो क्या है. वो क्या है, तो बड़ा टफ नहीं हो जाता कभी आपके लिए भी हवालात? मतलब अच्छा, वो जो आते हैं वो आपको लाइट तो नहीं लेते हवालाती के ये तो मैडम मतलब क्या लड़की छोटी सी ये हमें क्या कहेगी लाइट साले, ऐसा होता है कभी? Honestly, मतलब अभी तक हैवी किस्म की पर्सनालिटी दबाएं, मुझे नहीं लगता मेरी पर्सनालिटी बहुत हैवी है, बट मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. Okay. बल्कि मुझे ये था कि मेरी यूटीशिप भी एक रूरल एरिया की है, तो मुझे लगा कि वो कहेंगे कि लड़की सी है और मतलब ये बच्ची सी है, बच्ची सी होगी या व्हाटएवर, बच्ची तो अब यूनिफॉर्म में नहीं लगती, बट ये के है तो इसने क्या करना है. लेकिन टू माय सरप्राइज जो मेरे जूनियर रैंक्स हैं, कहते हैं ना कि आपके जूनियर रैंक्स जो आपके वो होते हैं वो कहेंगे कि यू नो, मेरे एसएचओ का एक्सपीरियंस है 32 इयर्स, जो कि मेरी एज से भी ज्यादा है. तो मैंने बोले समझा कि ये लोग कहेंगे कि यू नो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बट मुझे ड्यूटीशिप में भी ये लगा और अभी भी कि ये बहुत जूनियर रैंक्स जो है ना वो बहुत ओन करते हैं, और लाहौर में सीनियर्स भी बहुत ओन करते हैं कि अगर आप काम करें, आप किसी को भी फोन करके सर मैं ये बात करें, सर समझ नहीं आ रही सर कैसे करना है, तो वो सीनियर रैंक्स भी जो PSPs या जो भी आपके सीनियर SPs हैं वो दे टेल यू, दे गाइड यू, माई SP इन्वेस्टिगेशन इज रियली गुड, my SP operation is really good, SSP sahab, DIG sahab,
मतलब आप डीएजे ऑपरेशंस या इवन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन. मेरा एसपी साहब नहीं थे एसपी इन्वेस्टिगेशन, उनको कोरोना था, तो मैं एसएसपी साहब सर रऊफ कसरानी को फ़ोन करती थी, सर ये हुआ सर ये, एंड ही वाज ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन. एसपी सिक्योरिटी को मुझे याद है हमने रेड करना था, मैं रात 12 बजे मैंने बोला इट लुक्स वेरी बैड, मैं उठाऊँ और मैं कहूँ. मैंने बोला नहीं नहीं बच्चे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अभी पहुँच रही है लीड. एसपी ऑपरेशन से तो मैं दिन में पूरी लिस्ट बनाई होती है, सर ये सवाल सर ये सवाल एंड एसपी इन्वेस्टिगेशन भी, मतलब सर अरशद से आप कुछ भी पूछ सकते हो, सर ये समझ नहीं आ रहा, एंड इज वेरी सब बहुत कोऑपरेटिव बहुत. और मेरे जूनियर रैंक्स, मुझे अपने जूनियर रैंक्स से बहुत सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है इंसान जैसा होता है ना वो वैसा वो करता है, करता है, और वैसे लोग भी इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं. हाँ मैं अपने मेरे मजाक के जब हम वो जा रहे थे तो मैंने बोला मैं ये ना देखूं कि मैं पीछे मुड़ूं मेरा वो ना हो क्या कहते हैं गनमैन. और मैं हैरान थी कि जब मैं वहां गई तो अब हम लोग मतलब मुझे थोड़ा है कि नहीं आगे चलना है ये वो, तो कह रहे सर नहीं नहीं सर मतलब भी, तो मैंने कहा इम्तियाज सर पीछे हो जाओ वो डायरेक्ट ना मतलब आपको सेफ्टी भी तो करनी होती. सर कोई बात नहीं आपको नहीं लगेगा, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन विद देम फॉर लाइक अ मंथ. तो मुझे अभी तक अल्लाह का शुक्र है आई एम वेरी सैटिस्फाइड, और मुझे किसी ने लाइट नहीं लिया. अच्छा सिद्रा, अभी जब हम आपसे इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो कुछ हवालाती थे वहां पे, हवालात में बंद थे, वो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आप हमारे साथ मिलकर सुनेंगी कि वो क्या कहना चाह रहे थे? जरूर जरूर जरूर. मैडम को देख के डर गए, कुछ बोले आपने, मुझे इशारा कहा था कोई शिकायत है, कोई मसला है? नहीं बोलो बच्चे, क्या मसला है बताओ, क्या मसला है बताओ. हमारे थे ना, आपने मुझे आवाज़ दी थी, आप कोई मसला डिस्कस करना चाह रहे थे, बताइए क्या बात है. मैडम मैडम को मैं साथ लेके आई हूँ, मैडम मेरे साथ खड़ी हैं, वो आपका मसला मेरे सामने सुनेंगी और सॉल्व करेंगी, बताइए. मैडम मेरा इलाज होना चाहिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ. ये मेरे साथ होटल में स्टे, ये होटल में काम करता था. अच्छा. मैं बहावलपुर का हूँ. अच्छा. मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया इधर. अच्छा चलिए ठीक है, आपका मसला जो है वो देखते हैं. अच्छा सिद्रा ये मुझे बताएं कि एक बड़ी एक मिथ नहीं बल्कि एक रियलिटी है कि कोई भी जब मुजरिम आता है ना वो यही नहीं कहता कि मैंने कोई जुर्म किया, वो यही कहता है कि पुलिस हमें बिला वजह उठा ले, क्या वाकई ऐसा है? ये जो है इनका नाम आमिर शफीक है, और ये हमें थे नकब जनी में हमने किया, यानी 457-380 में हमें उठाया था. okay. हम इनसे रिकवरी भी कर चुके हैं, इनसे हमने बेटा पिस्टल लिया है. अच्छा. हाँ इनसे हमने और ये कितने, और ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं. इनके कितने रिकॉर्ड हैं तारिक? इनके पास 10 पर्चे हैं, तो ये हमारा एक्टिव गैंग भी है, इस पर हमने 401 का पर्चा भी दिया है. okay. यानी इनके पीछे भी और इसी चोरी में है 457-380 में. okay. और 10 पर्चे इनके पहले हैं. अच्छा. और अभी हमने इनसे रिकवरी भी की हमारे इन्वेस्टिगेशन वालों ने, उन्होंने इनसे ब्रेटा पिस्टल जो कि कोई 2.5 से 3 लाख का है. अच्छा. इसके अलावा कुछ कैश रिकवर किया था. okay. और जहाँ तक इनकी बीमारी की बात है तो हमारे रोज नामचे पे रिपोर्ट भी लिखे हैं, इनको हम हॉस्पिटल लेके गए थे. अच्छा मतलब अगर ये बीमार हैं तो आप इन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं? लेके गए हैं, क्योंकि जब आप रिमांड पे करते हो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के हवाले करता है तो वो मेक श्योर करता है कि इनको कोई बीमारियाँ वो ना हो. और इन्हें जो बीमारी है वो जो है, तारिक इन्हें क्या बीमारी थी? ये नशा करते हैं तो जब इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो जब हमने मतलब वो जब नशा नहीं मिल रहा नशा हाँ तो ये विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं एक. तो वो भी फिर हमने इन्हें दिखाया था, क्योंकि उसके अलावा आप इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टोडियल डेथ इज समथिंग दैट वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट, कि हमारी कस्टडी में इनकी कोई डेथ या किसी या कुछ भी कोई फिजिकल टॉर्चर ना हो. और जब एक बंदा रिमांड पे होता है, जुडिशियल रिमांड में होता है, तो आप उसको अदालत में लेके जाते हो, ही इज ऑन रिमांड बिकॉज वी डोंट मतलब जैसे आईजी साहब की भी पॉलिसी है कि इलीगल डिटेंशन नहीं है. तो जब आप जुडिशियल रिमांड में होते हैं तो वही फिजिकली असॉल्ट का सवाल पैदा होता भी नहीं है. एंड बीइंग एन एसडीपीओ बड़की आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर शुड बी नो फिजिकल असॉल्ट एंड देयर शुड बी नो इलीगल डिटेंशन. बट क्योंकि ये नशई हैं तो इन्हें विड्रॉल सिम्टम्स हैं, पर वो हम हॉस्पिटल पहले इन्हें लेके गए, उसके बाद हमने इनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया. थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं, बड़ी बातें होंगी हमारी वो सख्ती वाली. अच्छा जब फारिग और लग्जरी टाइम होता है क्या करती है?
अभी तक तो पिछले 1.5 महीने से मिला नहीं. अगर कभी मिला तो क्या करेंगे, क्या प्लान्स हैं? जनरली आई लाइक प्लेइंग गिटार, तो हाँ आई लाइक रीडिंग, आई लव रीडिंग. डन है, मैं बिल्कुल, मैंने मैं बिल्कुल बल्कि मैंने आपका एक कॉन्स्टेबल देखे थे, उनकी वीडियो देखी थी ट्विटर पे प्रॉब्ली. ही वॉज प्लेइंग इट ब्रिलियंटली एंड ही वॉज ब्लेस्ड विद वेरी गुड वॉइस इज वेल. मेरे ख्याल से वो डॉल्फिन के थे, डॉल्फिन के हैं प्रॉब्ली. सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम. मैं बहुत जैगम को ऑफर करती हूँ, यू कैन सिंग एंड आई कैन प्ले. आई एम नॉट एज गुड एज ही इज, आई एम नॉट एज गुड एज ही इज, बट आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम. आई मीन ऑब्वियसली ही इज प्रो, बट आई एम स्टिल एमेच्योर, बट लेट्स सी के मैं. अच्छा, अगर सीएसएस ना करती, पीएसपी ग्रुप ना करती ज्वाइन, तो क्या होती हैं? मेरी बी एस सी डबल मेजर है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. सो आई वुड हैव बीन सम बाहर जाके कोई मास्टर्स करती, मे बी आई वर्ल्ड बैंक या उसमें काम करती अगर मिल जाती. हाँ, कोई मतलब कोई बिजनेस से रिलेटेड करती, बट हाँ आई वॉन्ट टू, मतलब अगर ना होती तो मेरा प्लान भी ये था कि आई वुड अप्लाई फॉर वर्ल्ड बैंक या इस तरह बाहर से मास्टर्स करके कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह इस तरह में होता है. अच्छा सिद्रा, जब मैं पहले पीछे कॉमर्स देखें, ज़रा 40 से पीछे देखें तो बड़ी कम लड़कियाँ आती थी. उसके बाद मैं थोड़ी आगे जाऊँ के देखूँ कि 40, आपका 46 कॉमन है, 45 में भी गर्ल्स थी, 44 में भी थोड़ी सी गर्ल्स थी. आपकी भी बैच में अगर मैं 46 की बात करूँ, मेरे ख्याल में 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लड़कियाँ हैं. लेकिन यह है कि अब लड़कियाँ आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगी कि सीएसएस करके पीएसपी क्लास को या ग्रुप को ज्वाइन करना कितना चैलेंजिंग है और कितना फिर आप इंजॉय भी करते हैं? मुझे लगता है कि अगेन मैंने आपको बोला ना, मैं जेंडर लेंस से देखती हूँ चीज़ों को. अच्छा. जेंडर लेंस से मैं नहीं देखती. ओके. और मुझे वैसे ये लगता है कि हम जो वुमेन होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा स्पिक एंड स्पैन होती है. हम कहते हैं हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. जो माइनर, हम माइनर डिटेल्स भी देखते हैं और माइन्यूट उसमें भी जाते हैं, डिग करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन में ही आपको यू शुड नॉट ओवरलुक एनी सिंगल डिटेल. तो मुझे लगता है पर्सनली कि जो वुमेन होती है ना, कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. तो वो ज्यादा, क्योंकि हम माइन्यूट डिटेल्स को भी देख रहे होते हैं, तो मैं तो सारी लड़कियों को इनकरेज करती हूँ. पकड़ भी लेती हैं. हाँ. अच्छा, ये बात आपने उस दिन उस टाइम पे कही थी, तो और अभी आपने ये कैसे कहा, तो ये तो बयान में तजाद आ गया. तजाद आ गया. तो वो मुझे लगता है कि हर खातून को, हर मतलब पी एस पी एक बहुत अच्छा वो है, इसमें सर्विस डिलीवरी बहुत ज़्यादा है. अगर आप एक नीयत आपकी सही है एंड इफ़ यू वर्किंग हार्ड, तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं. और जिस तरह इधर आप आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं ना, देखें क्विक रिलीफ की जो बात करते हैं, वो इस दफ्तर से मिलता है, मतलब पुलिस के डिपार्टमेंट से मिलता है, अगर कोई सिंसियरली एफर्ट करे तो. अच्छा. तो यानी ये तो ऑफिसर ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. आई बिलीव हर एक को, अगर आप चाहते हैं ना, इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट रियली, तो देयर इज नो बेटर डिपार्टमेंट देन दिस. खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि आपको देख रही है और आप जैसा बनना चाहती हैं? बस मुझे ये लगता है कि बस आप नीयत साफ रखें, बहुत मेहनत करें, तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देता है. और जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे पुलिस में जाएं, आर्मी में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जस्ट गिव योर 100% और नीयत साफ रखें, तो अल्लाह ताला साथ देगा. थैंक यू सो मच सिद्रा, इतनी ज़्यादा बातें करने को, वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर उनसे करके जाऊँगी. आपके लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया. बहुत शुक्रिया जी. नाज़रीन, जैसे कि एस पी सिद्रा ने कहा कि अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ उठाना वुमेन एम्पावरमेंट है, तो अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाइए. पंजाब पुलिस आपके साथ है, एएसपी सिद्रा आपके साथ हैं, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आपके साथ है, V2 आपके साथ है. तो सेफ रहें सेफ सिटी के साथ. अल्लाह हाफिज़.